और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के आया नगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निगम पार्षद बेदपाल और एमसीडी में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर के नेतृत्व में किया गया है। बीजेपी के खिलाफ आपका हल्ला बोल, बीजेपी पार्षद के खिलाफ आपका पैदल मार्च, राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव जिस तरह से नजदीक आते जा रहे हैं उसी तरह से अब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होती हुई। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के आया नगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निगम पार्षद वेदपाल और एमसीडी में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के विधायक करतार सिंह तंवर के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शन कर रहे आप विधायक करतार सिंह तंवर ने बीजेपी और स्थानीय निगम पार्षद के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, निगम पार्षद वीरपाल आया नगर में तालाब के पास जो रास्ता आम लोगों के लिए था उसे बंद कर दिया गया और पार्षद ने अपनी दीवार लगा दी है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता रमेश अंबावत ने पार्षद पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। आया नगर की दुखी पीड़ित जनता हजारों की संख्या में निगम पार्षद के खिलाफ निकली है, क्योंकि उन लोगों को दुखी है, पीड़ा है, सबका रास्ता बंद कर दिया गया भाजपा की निगम सरकार और इस कांग्रेस के पार्षद जी द्वारा। 2 लाख लोग आयनगर गांव और कॉलोनी सहित रहते हैं, 2 लाख लोग यहां से निकलते थे, रोज लाखों लोगों का आवागमन था, और आज बड़े ही दुखी मन से उन सब ने पीड़ित होकर दुखी पीड़ित पार्षद जी के द्वारा, उनकी मनमानी के द्वारा, उनकी गुंडागर्दी के कारण, उनके विरोध में पार्षद जी कांग्रेस के पार्षद के खिलाफ और भाजपा की निगम सरकार के खिलाफ आज पदयात्रा की है 3 किलोमीटर। आप नेता यही नहीं रुके, उन्होंने पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसटीएफ प्लांट का बहाना बनाकर वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसा वो होने नहीं देंगे और ये लड़ाई आया नगर के 2 लाख लोगों की है और इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लड़ेगा। क्यों, ये रास्ता जो चलता था, जिसको एक रीढ़ है, एक आयनगर की रीढ़ है, ये आयनगर को एक छोटी आबादी नहीं है, 2 लाख लोग रहते हैं, ये सीधा जौनापुर निकलता है, गुड़गांव फरीदाबाद को रोड को जोड़ता है, दिल्ली गुड़गांव को जोड़ता है, तो इसको जैसे ही 2022 में निगम की सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो ये जो भाजपा की निगम सरकार द्वारा और कांग्रेस के पार्षद जी द्वारा जो एसटीपी प्लांट लगा लगा के, जो ये मंदिर पे चबूतरा बना के, यहाँ पे सॉरी तालाब के पास बस स्टैंड पे चबूतरा बनाया जा रहा है, बस स्टैंड पे कब्जे करने की योजना है, और जो ये मदद की दीवार के नाम पे कब्जे की जो दीवार लगा रखी है पार्षद जी ने, इस कब्जे की दीवार को भी हटाया जाएगा, इस चबूतरा को भी तोड़ा जाएगा जो कुआं के पास इन्होंने बनाया रास्ते रोकने के लिए, और जो ये एमसीडी का स्टोर बना रहे हैं इसको भी सबको साफ किया जाएगा। जैसे जैसे एमसीडी के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों का वार पलटवार भी तेज होता जा रहा है। अब एमसीडी चुनाव की जंग कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तो तय है चुनाव तक राजनीतिक पारा जरूर गर्म रहेगा। जनतंत्र टीवी के लिए छतरपुर से निखिल कुमार की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।